यूपी पुलिस में कांस्टेबल के तकरीबन 60,000 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा दोबारा आज से शुरू करा दी गई है। 5 दिनों तक 10 पालियों में ये परीक्षा खत्म होगी। आज पहले दिन पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के हिंदू महिला विद्यालय इंटर कॉलेज केंद्र पर, जहां आप देख सकते हैं कि पहली पारी की परीक्षा देने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजामों के बीच ये परीक्षा आयोजित कराई गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। जब ये अभ्यर्थी अंदर जा रहे थे तब काफी सख्त उनकी तलाशी ली गई थी, सघन तलाशी ली गई थी। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंद्र, पेपर कैसा हुआ आपका? बढ़िया लगा। बढ़िया, क्या उम्मीद है? हो जाएगा इस बार। हो जाएगा इस बार? 124 किए। अच्छा अच्छा, इस बार जो इंतजाम किए गए थे वो कितने ठीक ठाक थे? बढ़िया था। लगता है इस बार तो पेपर लीक नहीं होगा? लगता है नहीं होगा इस बार। नहीं होगा लगता है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हुए हैं? शशांक शुक्ला, बनारस से आए हुए हैं। जी जी। पेपर इस बार बहुत ही आसान आया था। हम लोगों ने जो जनवरी फरवरी पेपर दिया था उसकी अपेक्षा भी इस बार थोड़ा सा आसान पेपर बनाया गया था, और इस बार पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है कि पेपर इस बार लीक नहीं होंगे और अच्छे से जांच होगी और हम लोगों को रिजल्ट भी मिलेंगे और परिणाम भी अच्छे आएंगे। तो जो इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम से संतुष्ट नजर आए? जी जी, बिल्कुल संतुष्ट है। क्लास में ही सभी पेपरों को सील कर दिया जाता है सामने अभ्यर्थियों के। सारी सुरक्षा ओपनिंग में ही जांच की जाती है, 5-6 बार जांच होकर गुजरते हैं अभ्यर्थी, इसलिए किसी प्रकार की कोई नकल की संभावनाएं तो नहीं है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार अच्छे से निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी और रिजल्ट भी हम लोग को डिक्लेयर करेगी। बिल्कुल। और सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो पूरा केंद्र है छावनी में तब्दील है। तकरीबन 1 दर्जन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थी एक है, क्या नाम है आपका? जी सर, श्रेया शर्मा नाम है हमारा। कैसा हुआ पेपर आपका? सर बहुत अच्छा हुआ। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है हो जाएगा। हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ। अच्छा, पिछली बार के जो अरेंजमेंट्स है और इस बार के जो अरेंजमेंट्स है दोनों में क्या फर्क नजर आया आपको? जी नजर आया, क्योंकि पहले तो पिछली बार वाले में और अब वाले में सिक्योरिटी का नजर आया, बहुत अच्छा था। तलाशी खूब हुई जो है? जी बिल्कुल। लगता है इस बार तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी? नो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, अच्छी तरह से पेपर हो गया। एक बार फिर से ये केंद्र की तस्वीर दिखाएंगे। छावनी में तब्दील है, एक हर केंद्र पर तकरीबन 1-1 दर्जन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ साथ जो पुलिस की वैंस हैं वो लगातार यहाँ पर जो है गश्त कर रही है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका पेपर कैसा हुआ है। भैया आगे आ जाओ, जरा आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। ये बताइए, इस बार जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, लगता है कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं सर, नहीं। ठीक ठाक होगी सर? यस सर। क्या चाहते हैं? किसी भी प्रकार की चीट ना हो हम लोगों के साथ, फेयर एग्जाम हो, रिजल्ट निकले। यस सर। तो बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी दूसरी पाली के हैं, दूसरी पाली में इन्हें इम्तिहान देना है। अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और जो पहली पाली के अभ्यर्थी थे उनका कहना है कि इस बार पेपर जो है वो आसान था पिछली बार के मुकाबले, और ज्यादातर अभ्यर्थियों की यही राय है कि इस बार उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि पेपर उन्होंने बहुत अच्छा किया है और ज्यादातर अभ्यर्थी योगी सरकार के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इस बार सुरक्षा कड़ी जरूर थी, उनकी कई बार तलाशी ली गई, लेकिन ये उनके अपने भविष्य के हित में है और इस वजह से उन्हें इस बात की कोई शिकायत भी नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि परीक्षा में इस बार किसी तरीके की गड़बड़ी ना होने पाए, फेयर तरीके से जो है वो परीक्षा हो और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।